थैंक यू थैंक यू हो गया धन्यवाद अध्यक्ष महोदय थ्री इन करोनाई पे माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर नर्सेस हेल्थ वर्कर्स पुलिस फ्रंटलाइन वॉरियर्स हु ड्यूरिंग करोना पैंडमिक and i stand by the families who lost their lives during this pandemic time. adhyaksh mahodeji, 5th of february, i start from a little bit early. 5th february banned entry of entry for national tra uh, nationals traveling from china to india, although 25 other countries had confirmed. Confirmed that several COVID cases by Jan 31. India waited another one month before banning entry of national, uh, nationals of Italy, Iran, South Korea, Japan, March. It was not until March 22, after much confusion and chaos, that total 2,92,142 cases confirmed and more than 150 countries globally, India issued its first travel advisory ban. Silent carriers, at least thirty percent, have already affected the areas. Now, during this uh, spread, we have seen that when lockdown was just uh, start, when at in March, in the, uh, at the end of March, by twentieth March, when lockdown imposed, we have seen that many shortages during this Corona period. Shortages of emergency supplies like Specially masks, essential protective healthcare work, uh, healthcare unit, uh, things like sanitizers, shortage of testing, uh, testing, kits, and shortage of protective gears have led clinical shutting doors. Even we have seen that doctors threatening to boycott work in Lucknow, ambulance workers were going on strike to UP, Chhattisgarh doctors filed complaint aga, aga about the PP shortages. रिपोर्ट वेट देयर आर हाउ डॉक्टर्स हैव बीन यूजिंग रेन कोट्स एंड हेलमेट फॉर प्रोटेक्शन मैं ये नहीं मैं यहाँ पर ये मैं खड़ी इसलिए नहीं हुई हूँ कि मुझे सरकार का क्रिटिसाइज करना है मैं यहाँ पर देश का जनता का प्रॉब्लम बताने के लिए आई हूँ और जो चीज़ कोरोना के टाइम में मैंने फेस किया क्योंकि जिस टाइम करोना फैला हुआ था दैट टाइम आई माइसेल वॉज प्रेगनेंट एंड इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आई है वर्क फॉर माई पीपल ऑफ़ पीपल हु फॉर मी लेकिन उस टाइम में भी मुझे ये ये प्रॉब्लम दिखाई दिया कि सैनिटाइज सेनिटाइजर ठीक से नहीं मिल रहे थे मास्क ठीक से नहीं मिल रहे थे लेकिन हाँ हमारे डॉक्टर्स हेल्थ हेल्थ वर्कर्स इवन आशा वर्कर्स रूरल डिस्ट्रिक्ट में जा जाकर वो लोग बहुत अच्छे से काम किए इवन ये भी देखने को मिला मैनी डॉक्टर्स वाइल गिविंग सर्विसेज टू द पीपल टू द पेशेंट हैव डाइड ड्यूरिंग दिस एपिडेमिक, लेकिन एक सवाल मुझे सरकार से है और जहाँ पर ये लोग कह रहे थे देखिए अगर सरकार अच्छे काम करेंगे तो विपक्ष होने के नाते हम भी इसका सराहना करेंगे लेकिन जो पी एम केयर फंड बनाए गए थे द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ फंड इन एमरजेंसी वॉज क्रिएटेड ऑन ट्वेंटी Following the COVID -19, uh, 19 pandemic in India, how were how were the crores donated and what uh, in in which area this uh, PM CARE fund have been used? The people of India wants to know. Or अगर अच्छे जगह पर हुए हैं तो ये क्यों नहीं public के सामने किया जा रहा है? Public जानना चाहता है कि किस किस खाद में आपने ये पैसे को खर्च किए हैं और uh, ये भी देखने को मिल रहा है अमेरिका में अभी तक बच्चों का छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया है लेकिन इवन इन इंडिया स्टिल टिल डेट बच्चों के वैक्सीन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है वैक्सीन के रेट काफ़ी कम है और गवर्नमेंट टारगेट ऑफ वैक्सीनेशन अबाउट 94 फोर करोड़ हाँ एडल्ट बाई डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन इज़ नॉट गेटिंग मेड ओनली 30% परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज टोटली वैक्सीनेटेड लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है uh, अध्यक्ष महोदय जी जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार चल रही है अच्छी बात है वहाँ पर फर्स्ट डोज 100 परसेंट हो गए और सेकेंड डोज लगभग 90 परसेंट हो गए जैसे हरियाणा देख लीजिए गोवा गुजरात उत्तराखंड मध्य प्रदेश ये अच्छी चीज़ है लेकिन आसाम हरियाणा त्रिपुरा लेकिन अगर कोई दूसरे प्रदेश में किए नहीं जा रहे हैं ये भी सोचने वाले विषय है क्योंकि इससे स्प्रेड हो सकते हैं, क्यों नहीं हो रहे ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं और व्हाट इज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओमनिकॉन वायरस बीन नाउ सीन इन इंडिया और ये भी जानना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे जो आई के गाइडलाइंस क्या है बूस्टर डोज के बारे में ये भी हम मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ तीन चार मिनट में बात खत्म करने की कोशिश कीजिए